please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सोमवार को कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कुछ नियमों की परिभाषा को बदला। बदलावों के अनुसार ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग प्लॉट्स के निर्माणकर्ता जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर निर्माण शुरू करने में नाकाम रहेंगे या कागजातों में काम से उल्लेखित वर्षों में निर्माण नहीं पूरा कर पाएंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 2400 घर खरीदारों ने जेपी ग्रुप के अकाउंट्स के फॉरेंसिक जांच के लिए कहा। लॉ फर्म ट्राइंगल ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर करा है जिसमें उसने SAS फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के आधार पर नोएडा में करीब 2400 जेपी विश टाउन परियोजना के घर खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक और जयप्रकाश एसोसिएट्स के अकाउंट्स के फॉरेंसिक जांच की मांग की है। वसंत कुंज एक्सटेंशन बनेगा दिल्ली का पहला स्मार्ट उपशहर, 12,000 करोड़ का होगा निवेश। दिल्ली के पहले स्मार्ट उपशहर परियोजना के लिए वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से 200 से अधिक एकड़ जमीन पर निर्माण उच्च ऊर्जा परियोजना 25 वर्ष में दिल्ली में सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड आवासीय और वनराजी अचल संपत्ति विकास होगा। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2020 तक बना सकती है गोरेगांव में 5,000 नए घर। महाड़ा जल्दी गोरेगांव में 18 एकड़ जमीन पर सस्ते घरों के निर्माण के लिए निवेदन आमंत्रित करेगा। लगभग 40 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आवास प्राधिकरण ने इस पर अधिकार हासिल करा है। यह हाल के दिनों में सबसे बड़ी महाड़ा योजनाओं में से एक है। आरके जैन बने पारसवीनाथ के मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अध्यक्ष। पारसवीनाथ डेवलपमेंट ने आरके जैन को अपने मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सुपर टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। वेव इंफ्राटेक के कार्यकारी निर्देशक अंसल एपीआई में विणन के कार्यकाल निर्देशक के रूप में काम किया है। शाखा के लिए प्रमुख वरिष्ठ प्रबंध संसाधनों का हिस्सा रहे हैं।